वेलकम टू एग्जाम योग फ्रेंड्स। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीपीसीटी ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि अभी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था हाल में ही 8 अगस्त 2021, शिफ्ट सेकंड का एक क्वेश्चन पेपर है, इसको हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं। तो ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे हो गया था 13 तक हो गया था, 14 से करवाना है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन व्हिच विंडो कैन बी स्प्लिट इनटू टू पैंस इन एमएस एक्सेस, मतलब कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एमएस एक्सेस में विंडो को दो फलकों में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहां पे विंडो का पैन क्या होता है, है ना, मतलब आप ये समझो कि ये पैन क्या है। अगर आप देखो फॉर एग्जांपल कि अगर आप कंप्यूटर ओपन करिए तो कंप्यूटर का जो इधर का जो सेक्शन है, यहां पे देखिए ये, यहां पे ये वाला जो सेक्शन होता है, ये पैन फर्स्ट है, ये पैन है फर्स्ट और ये पैन सेकंड है। ठीक है, तो ये पैन है इधर लेफ्ट का, ये क्या है, ये पैन फर्स्ट और ये पैन सेकंड है। ठीक है ना, तो इसमें ये बोल रहा है विंडो की बात नहीं कर रहा है, बल्कि यहां पे बात कर रहा है किसका, एमएस एक्सेस। और एमएस एक्सेस क्या है, एमएस एक्सेस एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कई होते हैं, बताया था हमने, डिस्कस किया था कि एमएस एक्सेस, ओरेकल, आरडीबीएमएस में और क्या है आपका, ओरेकल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, मैंगो डीबी हो गया, डीबी टू हो गया, इस तरह से कई सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहां पर देखना है कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, तो उन्हें आपको लिस्ट में याद करके रखना चाहिए। तो आपको यहां पर दिखाते हैं कौन कौन से डेटाबेस हैं। यहां पर जैसे कि हम बता रहे थे आपको कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, इनके आपके नाम पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ले कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं या नहीं है। तो फोर्थ डायमेंशन ए डावेस डी, एयर टेबल, अपाचे, डरबाय, एस्टर डाटा, ठीक है, और अपाचे, ये हो गया आपका अमेजन, ओरोरा, एल्टी वेस, सी ए डाटा कॉम, सी ए डी आई डी एम एस, क्लेरॉन, क्लिक हाउस, ये बहुत सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं मल्टीपल कॉलम पे कर देते हैं ताकि आपको कई कॉलम पे दिखाई दे, और थ्री कॉलम पे कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये सभी अपने क्या हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर के नाम हैं। ठीक है, ये जिसमें से आपको यहाँ पे जैसे हम बताए थे क्या एमएस एक्सेस भी होता है। देखिए एमएस एक्सेस क्या इस लिस्ट में है, एमएस एक्सेस, ये देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल भी बताया है, ओरेकल भी है क्या, देखिए यहां पे डेटा इस लिस्ट में ये है ओरेकल, ये ओरेकल डेटाबेस। तो ये सभी क्या है, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ये सभी डेटाबेस सॉफ्टवेयर के नाम है। तो इनके नाम एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कौन कौन से डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, ये सभी आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं। आरडीबीएमएस क्या मतलब क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, यही क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन व्हिच विंडो कैन बी स्प्लिट इनटू टू पैंस इन एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस डेटाबेस में कौन सा ऑप्शन टू विंडो में स्प्लिट कर देता है, व्यू को दो विंडो में स्प्लिट कर देता है। ठीक है, तो आइए एमएस एक्सेस ओपन करते हैं, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। तो एमएस एक्सेस हमने यहां पे ओपन किया, एमएस एक्सेस, और यहां पर जाते हैं, यहां पर देखिए यहां पे डिजाइन व्यू ऑप्शन आ रहा है, डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू ऑप्शन क्या करता है कि दो पैन में डिवाइड कर देता है, ये
एक पैन फर्स्ट ये हो गया, दूसरा पैन आपका यहाँ पे जो इसकी इंफॉर्मेशन इस कॉलम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो करता है, नीचे वाला पैन ये फर्स्ट पैन, ये सेकंड पैन, ये थर्ड पैन, तो ये कई पैन में डिवाइड यहाँ पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और डिजाइन व्यू ऑप्शन पे जाते हैं तब आपको ऑप्शन ये मिलेगा। तो ये पैन है, दो पैन में यहाँ पे ये फर्स्ट है सेकंड है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन व्हिच विंडो कैन बी स्प्लिट इनटू टू पैन्स इन एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस में विंडो को दो पैन में डिवाइड कौन करता है, किस ऑप्शन के माध्यम से, डिजाइन व्यू के माध्यम से। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, ओपन ऑफिस कैल्क में फंक्शन इज इवन 2.0 का आउटपुट क्या होगा। यहां पर जो ये ओपन ऑफिस कैल्क दिया है ना, ये क्या है, ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट इन्फोपाथ, ये सभी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कंपोनेंट है। तो इसी तरह से ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जिस तरह से एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट होता है, उसी तरह से ये क्या है, ओपन ऑफिस के अंतर्गत ओपन ऑफिस का कैल्क, यानी कि ओपन ऑफिस का एक्सेल है, ओपन ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है ओपन ऑफिस कैल्क। तो ओपन ऑफिस के अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं ये देखिए, ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या आता है, ओपन ऑफिस राइटर, मतलब जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, आप क्या काम करते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, उसी तरह से आप ओपन ऑफिस राइटर के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, आप कोई भी लेटर क्रिएट कर सकते हैं, बुक क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, न्यूज़लेटर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ब्राउचर्स क्रिएट कर सकते हैं और अदर प्रकार के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं एमएस वर्ड के द्वारा। तो ये ओपन ऑफिस राइटर वर्ड जैसे काम करता है। इसके बाद ओपन ऑफिस कैल्क, ये ओपन ऑफिस के अंतर्गत आता है, ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है एक्सेल जैसा। ओपन ऑफिस इंप्रेस, ओपन ऑफिस इंप्रेस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है। इसके बाद ओपन ऑफिस ड्रॉ, ये ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए ओपन, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्या होता है, एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसी तरह से ओपन ऑफिस बेस डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। और मैथ फार्मूला एडिटर, ये क्या है, ओपन ऑफिस का प्रोडक्ट है। तो ये इतने क्या है, कुछ ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर के क्या है, कंपोनेंट्स है। ओपन ऑफिस आपका क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहां पर बात ये कर रहा है कि ओपन ऑफिस के अंतर्गत ये जो फंक्शन दिया है, ये क्या है, इज इवन फंक्शन, इज इवन फंक्शन जो वैल्यू यहां पे दिया गया है 2.1, इसका आउटपुट क्या होगा। दरअसल यहां पे आप अगर एक्सेल का यूज करना चाहते हो एमएस एक्सेस का, तो ये फंक्शन काम कर जाएगा, इज इवन ओपन ऑफिस कैलकुलेट तो करेगा ही, आप अगर एक्सेल में चाहते हो एमएस एक्सेस एक्सेल में, यहां भी काम कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, हम यहां पर एक फंक्शन लगाते हैं, ये देखो यहां पर 3 क्या है, इवन है कि ऑड, इवन है। यहां पर 2 क्या है, इवन है। 3 क्या है, ऑड है। ठीक है, ऑड है। हमें ये चेक कौन कैसे करना है कि ये 3 इवन है कि ऑड है, ठीक है। तो यहां पर फंक्शन क्या यूज होता है, इज इवन, इज इवन, इज इवन, कौन सी वैल्यू, 3। क्या 3 सम है, क्या सम है, नहीं, फॉल्स आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, इवन नहीं है। इज इवन कौन सा, 2। क्या 2 इवन है, सम है, यस, हां, ट्रू आएगा इसका आंसर, इज इवन, क्या इवन है। तो इसके अंदर आप पैरामीटर दोगे, जैसे हम यहां पे दूसरा करना चाहते हैं, इज इवन,
क्या 2.1 इवन है, सम है, तो इंटर मारेंगे ये यस इवन है, ठीक है। यहां पे करते हैं इज इवन, क्या 3.1 इवन है, सम है, क्या क्या आएगा फॉल्स। तो यहां पर कोई भी वैल्यू इवन है कि ऑड है इसके लिए चेक किया जाता है, ठीक है। इज ऑड, क्या ये ऑड है, थ्री क्या ऑड है, विषम है, यस विषम है, थ्री क्या है विषम है। इज इवन इज ऑड फंक्शन होता है एमएस एक्सेल में या आपका ओपन ऑफिस कैल्क में चेक करने के लिए फंक्शन सम है कि विषम। तो यहां पर इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या आएगा, अगर अगली बार पूछता है आप बताना क्या होगा। इज ऑड, इज ऑड अंदर दिया हमने थ्री, इसका आंसर क्या आएगा बताइए। अगर हम यहां पे दे दिए फंक्शन इज इक्वल टू इज ऑड, ठीक है, इज ऑड, इस फंक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। इज ऑड, यस ऑड है, ट्रू आएगा, ठीक है ना। अगर पूछता इज इवेन और पैरामीटर दे दिया थ्री, इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस फंक्शंस रिलेटेड पूछता है, ठीक है, देखो आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। चेक लो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, फर्स्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, सेंट्रोनिक्स के द्वारा, किसके द्वारा, सेंट्रोनिक्स के द्वारा पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डेवलप किया गया था। अब ये डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है तो किस प्रकार के प्रिंटर में आता है, इंपैक्ट की नॉन इंपैक्ट, हाँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसके अंतर्गत आता है आपका, इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जो पेपर और पेपर हेड जो होता है उस पर क्या करता है, संपर्क रहता है और पेपर पे चोट करता है, वो प्रकार के प्रिंटर क्या होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर। तो पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का आविष्कार या किसके द्वारा पेश किया गया था, सेंट्रोनिक्स के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, ए कोड इज ए डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू डॉट डॉट और डॉट डॉट एज डिजिटल मीडिया फाइल सच एज वीडियो और सॉन्ग। डॉकेट एक डिवाइस या सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डिजिटल मीडिया फाइल जैसे कि वीडियो और ऑडियो को किसमें करने के लिए या क्या कन्वर्ट करने के लिए या किसमें चेंज करने के लिए यूज होता है, क्या करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए और डीकंप्रेस करने के लिए, कंप्रेस और डीकंप्रेस करने के लिए यूज होता है। फाइल को कंप्रेस करने के लिए बताया था हमने, अगर आपकी कोई भी फाइल जिसकी साइज अगर 4 MB है, आप उसकी साइज कम करना चाहते हो, ठीक है, उसको आप कैसे कंप्रेस कर सकते हो, ये बताया था, ठीक है, कैसे करेंगे फिर बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी यहाँ पे ये फाइल है, ये हमारा फोल्डर है, ठीक है, यहाँ पे इसकी साइज आइए देखते हैं कितना है, इसकी साइज प्रॉपर्टी पे जा करके देखते हैं कितना है, 24x7 KB है, ठीक है। अगर हम इसे कंप्रेस करना चाहते हैं, संपीड़ित करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर करेंगे सेंड टू कंप्रेस्ड, ये कंप्रेस कर दिए, तो ये देखिए यहाँ पे बन गया। अब देखिए इसकी साइज कितनी हो गई है, प्रॉपर्टी में जाकर देखिए कि ये कितना हो गया, ठीक है, कितना था, 24 था, 22 KB हो गया, कम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है,
तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहां पर ऑप्शन क्या दिया है, एक्सट्रैक्ट फाइल, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से अपनी अवस्था में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि आपकी ये जो फाइल है फिर से डीकंप्रेस हो जाएगा। तो कंप्रेस और डीकंप्रेस कहेंगे, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्रेस और डीकंप्रेस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, इसके बाद विच ऑफ दी फॉलोइंग एक्ट्स एन इंटरमीडिएट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इन केस क्लाइंट रिक्वेस्ट फ्रॉम द सर्वर, सर्वर से क्लाइंट अनुरोध के मामले में क्लाइंट और सर्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है, तो कौन करता है, प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, जैसे मान लो कि यहां पे सर्वर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, सर्वर रखा हुआ है, ठीक है, क्या है ये, सर्वर है, यहां पे कौन बैठा हुआ है, क्लाइंट बैठा है जो कि डाटा को क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, ठीक है ना, क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, तो अभी क्या कर रहा है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है मेन सर्वर से, ये डायरेक्टली मेन सर्वर से जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्टली यूज कर रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो यूजर है तो सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट ना रहे बल्कि एक माध्यम रहे, यानी कि प्रॉक्सी सर्वर रहे, और प्रॉक्सी सर्वर में हम ये लिमिटेशन दे दें सर्वर के लिए कि जितनी हम सुविधाएं चाहें केवल यूजर उतनी ही सुविधा यूज कर पाए, बाकी सभी सुविधा ना यूज कर पाए। हम चाहते हैं कि जो यूजर यहां बैठा हुआ है काम नहीं कर रहा है, फेसबुक चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम प्रॉक्सी सर्वर बनाएंगे, और प्रॉक्सी सर्वर में हम इसको क्या कर देंगे, डिनाई कर देंगे कि भाई यहाँ पे आपका फेसबुक और ये जो व्हाट्सएप, फेसबुक अगर आप चलाते हो या यूट्यूब चलाते हो, ये चीज़ें आप ना चलाने पाओ, तो प्रॉक्सी सर्वर पे हम ये लिमिटेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं रहेगा, तो ये प्रॉक्सी सर्वर की मदद से कनेक्ट रहेगा। तो यहीं पे ये क्या कह रहा है कि यूजर और सर्वर के बीच में, यहां पर बीच में जो रहता है उसको क्या कहेंगे हम, प्रॉक्सी सर्वर कहेंगे। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉक्सी सर्वर हो जाएगा, ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन, If you print two copies of a three-page document and you choose not to collate them, अगर आप क्या करना चाहते हो कि यदि आप तीन पृष्ठ के दस्तावेज की दो प्रतियां मुद्रित करते हैं और उसे collate विकल्प का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो क्या करना होगा, इसके लिए आपको पेज ऑर्डर क्या देना पड़ेगा, पेज नंबर वो एक करे, फिर एक करे, दो करे, दो सेट चाहिए ना, दो करे, फिर दो करे, फिर तीन करे, फिर तीन करे, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर, तो यहां पर देखो एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लेटेस्ट वर्जन अभी कौन सा चल रहा है विंडोज का, विंडोज 11 मार्केट में आ गया है, 10 तो है ही है, अब 11 भी आ गया है, ठीक है ना, हाँ, अगर आपको वर्जन चेक करना है अपने कंप्यूटर में तो MS VER विंडो वर्जन, विनवर है ना, विंडोज वर्जन ये टाइप करना पड़ेगा, हाँ, अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चेक करना है तो विंडो R प्रेस करिए और WINVER विंडो वर्जन करके ओके करिए, ये आपके सिस्टम में जो भी वर्जन इंस्टॉल होगा वो वर्जन आएगा। तो ये किसमें कौन डला हुआ है, 7 डला हुआ है, वर्तमान में कौन सा चल रहा है, विंडोज 11 चल रहा है, ठीक है ना, हाँ। अगला देखिए, तो यहां पे देखिए लाइनेक्स, लाइनेक्स भी क्या है, यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम है,
लेकिन ओपेरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओपेरा क्या है अपना, ये वेब ब्राउजर है, जिस तरह से गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यूसी ब्राउजर है ना, ओपेरा भी ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर बूटिंग बायोस स्टैंड फॉर, विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर बूटिंग, कंप्यूटर बूटिंग के संदर्भ में बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। अच्छा, ये जो डेट एंड टाइम, यहाँ पे कंप्यूटर में जो डेट एंड टाइम रहता है, ठीक है, तो ये स्टोर कहाँ रहता है, ये बायोस सेटिंग में ही स्टोर रहता है, ठीक है। एक सीमोस बैटरी होती है, क्या होती है, सीमोस बैटरी, अगर आप बैटरी निकाल लो, ठीक है, अगर आप बैटरी निकाल लो तो फिर आप अगर चलते सिस्टम में डेट चेंज कर देते हो, एग्जैक्ट टाइम डेट डाल देते हो जो हो रहा है, अगर आप सिस्टम बंद कर देते हो सीमोस निकाल के, अगले दिन आप देखोगे तो आपको टाइम डेट चेंज मिलेगा, प्रॉपर नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहां पर बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, हाँ, हिज फाइल फॉर्मेट यूज फॉर सेव असेंबलर सोर्स कोड, असेंबलर सोर्स कोड का एक्सटेंशन क्या होता है, तो a.asm, और एक्सटेंशन नेम हमने क्या बताया है, व्हाट इज एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन नेम क्या होता है, किसी भी फाइल के प्रकार को पहचानने का तरीका होता है, सेकेंडरी नेम, ठीक है ना। जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास एक फाइल है xyz.mp3, एक दूसरी हमारी फाइल है xyz.mp4, एक हमारे पास फाइल है xyz.jpg है, ठीक है। अब इसमें से बताओ कि इसमें आपकी इमेज फाइल कौन सी है, तो आपकी यहां पे इमेज फाइल कौन सी है, जेपीजी फाइल, यानी कि किसी भी फाइल में, कंप्यूटर के फाइल में दो नाम होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी नेम होता है और सेकेंडरी नेम। तो हम प्राइमरी नेम देख के नहीं बता सकते हैं कि संबंधित फाइल हमारी किस प्रकार की है, हम उसका सेकेंडरी नेम ही देख के बता सकते हैं कि संबंधित फाइल किस प्रकार की है। यहाँ पे सेकेंडरी नेम क्या है, .jpg, यानी कि जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है ना। यहाँ पे .mp3 मतलब अपनी ऑडियो फाइल है, .mp4 क्या है, ये वीडियो फाइल। तो हम किसी भी फाइल के प्राइमरी नेम को नहीं बता सकते देख करके कि ये किस प्रकार की फाइल है, उसके हमें सेकेंडरी नेम को देखना पड़ेगा, और सेकेंडरी नेम को ही हम एक्सटेंशन नेम कहते हैं। तो ये फाइल को पहचानने का क्या है, ये तरीका। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो हमारे कंप्यूटर में असेंबली फाइल बनती है, असेंबलर सोर्स कोड बनता है, तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .asm, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ASM हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाँ, ऑथराइज्ड एक्सेस टू यूजली ग्रांटेड बाय एंटरिंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, यानी कि अगर आप ऑथराइज्ड एक्सेस यूजर हो आप, ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यूजर आईडी डालना पड़ेगा या यूजर नेम डालना पड़ेगा और पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आप वेब पेज भी डाल सकते हो, अपने कंप्यूटर भी डाल सकते हो, मोबाइल पे भी आप डालते हो। जब आप कंप्यूटर को क्या करते हो, चालू करते हो, तो फर्स्ट स्क्रीन कौन सी दिखाई देती है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो फर्स्ट स्क्रीन कौन सी दिखाई देती है, अगर आपने पासवर्ड डाल के रखा हुआ है तो डेस्कटॉप दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता डेस्कटॉप। अगर आपने पासवर्ड डाल के डाला हुआ है तो क्या दिखाई देगा, ऑथेंटिकेशन मोड दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, ऑथेंटिकेशन मोड। ऑथेंटिकेशन मोड क्या होता है, जहां पे आप ऑथेंटिकेट होते हो, मतलब कि आपका सिस्टम आपका है, आपका यूजर नेम पासवर्ड आपको डालना पड़ता है, जहां पे उसको क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन मोड कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ऑथराइज्ड यूजर के लिए परमिशन देने के लिए क्या डालना पड़ता है, यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, मेनी वेबसाइट यूजेस .dot.dot टू डिफाइन देयर सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी, ठीक है। तो बहुत सारी जो वेबसाइटें होती हैं तो क्या यूज करती हैं, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट यूज करती हैं अपनी सुरक्षा के लिए और पहचान के लिए, ठीक है। तो आपने वेबसाइटों में देखा होगा कि किसी भी वेबसाइट में आप देखो
किसी किसी वेबसाइट में लिखा रहता है http और www. कुछ भी xyz.com, और किसी वेबसाइट में ऐसा रहता है https और /www.facebook.com, ठीक है ना। तो इस दोनों में से मोर सिक्योर, इस दोनों वेबसाइट में से सबसे ज्यादा सिक्योर कौन सी है? https है, क्योंकि जो https क्या होता है, हाइपर ट्रस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। जिस वेबसाइट में https नहीं है, उस वेबसाइट में आपको ट्रांजैक्शन से बचना चाहिए, क्योंकि वो सिक्योर, वो जो वेबसाइट होती है वो सिक्योर नहीं होती है ज्यादा, ठीक है ना। तो यहां पर जो वेबसाइट सिक्योर होती है वहां पे आप प्रोटोकॉल देखोगे तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? https होता है। तो ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्टिफिकेट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अ लेजर प्रिंटर जनरेट्स अ टोटली ब्लैक पेज, व्हाट इज द कॉज? लेजर प्रिंटर निम्नलिखित में से कौन सी समस्या का कारण एक काला प्रिंट करता है? लेजर प्रिंटर अगर काला प्रिंट दे रहा है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? नो पावर टू प्राइमरी कोरोना, प्राथमिक कोरोना के लिए कोई पावर नहीं है। चलो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, हाँ। अगला देखिए, अ हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट डॉट डिफरेंट बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी। एक जो हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी है तो किस किस टोपोलॉजी का समूह होता है? हाइब्रिड नेटवर्क जो टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज टोपोलॉजी? नेटवर्किंग कनेक्टिंग का एक क्या है? डायग्राम है, जाल है, या मेथड है कह सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि बस टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहां पे एक सिस्टम पड़ा हुआ है, एक सिस्टम यहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है, एक सिस्टम यहां पे पड़ा हुआ 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 है। इन सभी सिस्टम को एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना है, तो एक केबल, लंबी केबल के माध्यम से इन सभी को हम आपस में जोड़ सकते हैं। ये क्या, ये किस प्रकार का टोपोलॉजी है? इसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। एक लंबी वायर होती है जिसमें से सिस्टम क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, ये बस टोपोलॉजी है, ठीक है ना। और हाँ, रिंग टोपोलॉजी होती है, तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? सिस्टम रखा होता है रिंग की तरह, सिस्टम रखे होते हैं, ठीक है ना। और सिस्टम, एक सिस्टम दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे ये बोल रहा है कि भाई हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक नेटवर्क टोपोलॉजी मिल जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर हो जाएगा, दो या दो से अधिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम यूज ओनली टू डिफरेंट सिंबल टू रिप्रेजेंट डाटा? निम्नलिखित में से किस संख्या पद्धति में आंकड़े निरूपित करने के लिए केवल दो भिन्न प्रतीकों का यूज होता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या करता है? जीरो एंड वन, केवल दो सिंबल्स का यूज करता है, दो अंक का यूज करता है, जीरो एंड वन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर बाइनरी नंबर सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर, यहां पर क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस 4 जो होता है उसकी साइज क्या होती है, ठीक है। आईपी एड्रेस 4, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल।
और इसकी साइज कितनी होती है? 32 bits. अगर बाइट में बात करता है, कितने बाइट क्या होता है, तो आपको क्या करना है, 8 से भाग दे देना है. 8 चौक 32 byte. अगर ये क्वेश्चन यहां पे आंसर ये होता कि द लेंथ ऑफ आईपी वी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, वी फॉर वर्जन, ठीक है, तो यहां पर वी मतलब क्या हुआ, वर्जन, इसकी साइज कितनी होती है, 32 bit. अगर हम बाइट में बात करें तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यानी कि 4 byte. अगर यहां पे 32 बिट की जगह पे 4 byte होता तो आंसर 4 byte हो जाता. फिलहाल यहां पे 32 bit. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 bit हो जाएगा, ठीक है. हाँ, अगर यहां पे क्वेश्चन ये पूछता कि आईपी, देखो इधर देखो, आईपी भी 6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इसकी साइज कितनी होती, फिर इसकी साइज आप कितना करते, 16 byte, ठीक है, 16 byte. इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिखिए आईपी वर्जन, आईपी भी 6 की साइज कितनी होती है, 32 bit, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर एग्जाम में पूछता है ये. हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. आईपी भी 6 कितना होता है, 16 byte, ठीक है. आगे देखिए. हाँ, आईपी 4 का 32 bit और आईपी भी 6 का 16 byte. हाँ, हो गया. चलिए अगला, रिलेशनशिप बिटवीन एप्लीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय. एप्लीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में संबंध को किस प्रकार दर्शाया जाता है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट के माध्यम से दर्शाया जाता है, ठीक है. चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही. कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 29 हो गए हैं, ठीक है, और नेक्स्ट 30 से कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और अभी करा देते हैं प्रैक्टिकल और टाइपिंग करिए.